तो टूडे वी विल कम्प्लीट द फोर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर दैट इज़ एयर हैज़ टेम्परेचर ओके तो आज हम फिर से इसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड टू कंटेनर ठीक है दिस इज कप दिज आर कप्स ओके मैंने कप लिए हैं बट आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो एंड वी नीड टू बॉटल्स एंड टू बलून्स ओके तो फर्स्ट कंटेनर को हमने हॉट वाटर से फिल करना है और सेकंड कंटेनर को हमने कोल्ड वाटर से फिल करना है तो इसमें मैंने कोल्ड वाटर फिल किया और इसमें मैंने हॉट वाटर फिल किया है नाउ हम कह रहे हैं कि एयर का जो है वो टेम्परेचर है अब हम आज अपने एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि सच में एयर का टेम्परेचर होता है ओके okay? नाओ अब हम क्या करेंगे कि ये जो बॉटल्स है ये जो बॉटल्स है इसके हेड पे मैंने जो है ये बलून्स uh, लगा दिए हैं ओके okay? तो अब क्या करना है दिस इज़ हॉट वाटर एंड दिस इज़ कोल्ड वाटर इसमें हॉट वाटर है ये कोल्ड वाटर है ठीक है अब मैं एक एक करके इन दोनों को इन दोनों कंटेनर में प्लेस करूँगी और जो इसका ऑब्ज़र्वेशन होगी वो देखेंगे कि क्या है ठीक है आप इसे ऑब्जर्व करोगे कि क्या होता है ठीक है सो दिस इज़ कोल्ड वाटर तो मैंने ये बॉटल कोल्ड वाटर में डाली ओके एंड दिस इज और ये मैंने हॉट वाटर में डाली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या हुआ है ना आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या हुआ इसका जो बलून है उसको कुछ हुआ नहीं वो जैसा था वैसा ही रहा बट ये बलून जो है इसने अपने को एक्सपैंड किया ठीक है इसने अपने को एक्सपैंड किया क्यों ऐसा हुआ क्योंकि जो इसमें हॉट वाटर है उसकी वजह से क्यों क्योंकि जो हॉट वाटर है इस डॉटल में क्या है क्या ये बॉटल एम टी है नो दिस बॉटल इज नॉट एम टी दिस इज़ कम्प्लीटली फिल विथ एयर किससे फिल है ये एयर से जब मैंने ये बॉटल इसमें डाली तो इसके अंदर जो एयर थी वो गर्म पानी की वजह से क्या हो गई हॉट हो गई गर्म हो गई ठीक है तो जब भी एयर हॉट हो जाती है तो हमें पता है कि हॉट में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं ठीक है ठीके? तो जब भी एयर जो है गर्म हो जाती है वो अपने आप को स्पीड में मतलब अपने आप को जो है मोशन में लाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये एयर रेस्ट में थी जैसे इसे हीट मिली जैसे इसे टेम्परेचर मिला तो ये एकदम से भागना शुरू हो जाती है ठीक है और वही इसके अंदर जो एयर थी इसे नीचे से गर्म पानी की वजह से टेम्परेचर मिला और इसके अंदर की एयर क्या हो गई हॉट हो गई गर्म हो गई और जैसे ही एयर गर्म हो जाती है तो अपने आप को मोशन में लाती है और तेज़ी से भागना शुरू हो जाती है और ये भागना शुरू हुई अब कहाँ भागेगी यहीं पे तो इसका ये है ना तो इसी के इस बॉटल के हेड से वो भागना शुरू करेगी तो यहाँ से भागी और हमने तो बलून लगाया है और उसी प्रेशर की वजह से ये बलून जो है वो एक्सपैंड हुआ ठीक है सो दिस मीन्स दैट एयर हैज़ टेम्परेचर ओके तो इसमें क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने कोल्ड वाटर लिया था और कोल्ड वाटर जो है तो ठंडा पानी है तो इसमें जैसी एयर है वो वैसी ही रहेगी उसने भागने की कोशिश नहीं की वो मोशन में नहीं आई इसलिए ये बलून एक्सपैंड नहीं हुआ ओके okay? तो आज आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे और साथ में ये जो डायग्राम बनाई है ये अपनी नोटबुक पे ड्रा करोगे ओके थैंक यू